अपने देश में आज भी मांग रहे हैं। हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और उस हिस्सेदारी को मांगने पर हम जो है इस देश में कभी नक्सली हो जाते, कभी आतंकवादी हो जाते, हम मांगना भी छोड़ दें अगर सरकार व्यवस्था करते, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जिसमें हमारी हिस्सेदारी आज ना कभी होगी तो हमें जो कुछ भी लेना है पाना है वो अपने धन पे प्राप्त करना पड़ेगा और वो बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। तो अर्जुन भाई नौजवान समय समय पर उससे बात करते रहते हैं, तो जब इन्होंने कॉन्सर्ट स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने अर्जुन भाई को कहा कि तुम तो छोटे बच्चे हो, नादान हो, क्या करोगे इस काम को, छोड़ो कोई वैसा काम हो जिसमें तुम्हें रोजगार मिल जाए। तो साहब हम सीख रहे हैं, मैं हूं, अर्जुन है और बहुत सारे साथी हम लोग सीख रहे हैं काम करना, कुछ अच्छा करने के लिए हमें आप लोगों के साथ की जरूरत। ये चेहरे पे जो दो नकाब लगाए हैं प्लीज नहीं उतार दीजिए, खराब हो जाए। ये जो दो नकाब लगा के आप लोग घूम रहे हैं ना, इन नकाबों से सब कुछ खत्म हो जाए। आज 25 जुलाई ऐतिहासिक दिन, आज क्रांति की देवी पूनम देवी जी का साथ दिवस। रेवोल्यूशन हमारे ब्लड में और हमने समय समय पर उसको प्रदर्शित भी किया, चाहे दो अप्रैल को, चाहे भीमा कोरेगा हो या अन्य कोई समय हो। तो इसकी ये जो प्रोग्राम बना है और इसमें जो 6 कॉन्सेप्ट दिए हैं जो मूवी बनाने के लिए, वो 6 के 6 बहुत महत्वपूर्ण। जब तक आप उन चीजों को, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास भी आज के समय में, तो आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप आधा घंटा लगा के अर्जुन की बनाई गई पिक्चर जरूर देखें। तो जब आपके समय हो, आपके यात्रा कर रहे हो, आप कहीं बैठे हो, आप फ्री हो, आप रिलैक्स होना चाहते हो, भी कुछ सीखना चाहते हो, उस समय अगर आप इन पिक्चरों को देखोगे तो विश्वास कीजिए आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर छोटी सी जानकारी शेयर करूं तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हिमा दास ने 6 गोल जीते हैं और वही बात है कि हम फेसबुक पे पढ़ाई के साथ, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पढ़ाई के साथ ये भी कह रहे हैं कि और लोग हिमा दास को पहचाने, कि बहुजन समाज की लड़कियां भी, ये भी तो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वो सम्मान नहीं मिल रहा जो होना मिलना चाहिए था उसको। ये मैं झूठ कह रहा हूं क्या? तो ये महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज जब याद हो आप लोगों को, जब इंडिया वर्ल्ड कप हार के आती है तो एक सवाल हो रहा था कि उनकी जाति चेक की जाए कि वो कौन लोग हैं टीम में, बाहर के देशों की जिनकी तुलना हम करते हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया कि रंग से जाति से आदमी के काम की तुलना नहीं हो सकती, उसके टैलेंट की तुलना नहीं हो सकती, मगर आज भी भारत इसे स्वीकार नहीं कर पा। तो इसे स्वीकार करना हमारा, करवाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इस देश के वासी, ये देश हमारा है। तो इसमें अगर कुछ बुरा हो रहा है जो आज के समय में हो रहा है तो वो हमारी कमजोरी कि हम लोग चुप हैं। अगर हम लोग गलत का विरोध नहीं करेंगे तो जुर्म, अन्याय और गलत जो भी हो रहा है वो बढ़ेगा। मैं इससे हटके भी कहना चाहता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम पास किए बिना जब आईएएस बनेंगे तो ये देश में सब लोग बचा गया, फिर क्यों पढ़ रहे हैं हमारे लोग, क्यों तैयारी कर रहे हैं? सरकार में चले जाएंगे वो कुर्सी में बैठे रहेंगे तो नीति वो बनाएंगे। तो जब हमारा प्रतिनिधित्व होगा इन ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, जब हमारा होगा नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा ना। तो बना, अर्जुन भाई ने बना, बहुजन मुबारकबाद आप सब लोग कि आपने साबित किया कि हमें अपने दम पे अपनी चीजें पैदा करनी पड़ेंगी। और अगर ऐसे किसी और का सहारा लेना पड़ा, याद रखना मेरी बात को, तो ये भी वही काम करेगा जो दूसरे लोग करते हैं। अगर इसे तुम अपना सहारा लेकर रखोगे तो लिख के देखना, तुम याद रखना कि इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन ऐसे के सहारे का मौला नहीं होगा तो विश्वास करना ये भी वही करेगा जो दूसरे लोगों ने किया है। उंगली उठाना आसान,
आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसमें स्वाभिमानी के तौर पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है, और जिसमें काबिलियत है उसको दिया नहीं दिखाया जाता। घर से निकल के अपने परिवार को छोड़ के आइए तो सही मैदान में, पता तो लगे माँ हाथ खींच लेती है, जब पता लगता है कि वहां बेटा जाएगा तो मर सकता है, मुकदमा हो सकता है, जेल हो सकती है, तो घर वाले कहते हैं अपना काम कर ले। ये अगर हम कहीं से सीखे हैं सब लोग, तो वो सीखे अपने महापुरुषों के संघर्ष से, उनके बलिदान से, जिसकी परवाह उन्होंने नहीं की। अगर इन जेलों की परवाह की होती तो मेरे आदर्श साहब आशीर्वाद आज इस अवस्था में मुझे छोड़ के नहीं जाते। आज अगर हम यहाँ लोग बैठे हैं तो आप जानते हैं कि बाबा साहब की वजह से, लेकिन हम बाबा साहब को लौटा कह रहे हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, कुछ जिम्मेदारी हमारे भी बनती है कि हम भी कुछ लौटा है। लेकिन हम, मैं एक अगली बात कहना चाह रहा हूं कि हम तो सिर्फ, हम तो ब्राह्मणों से भी ज्यादा आपको है ना, अगर हमारी बात भी सुनोगे तो विरोधी हो जाएंगे, और फिर हम वो सब कुछ करेंगे जो हम साथ रहकर नहीं कर सकते। मुबारकबाद ऐसे समाज को, बहुत बहुत मुबारकबाद। विश्वास कीजिए, बीज है, इन चीजों से टूटने वाले नहीं, खूब प्रयास कीजिए। और एक एक बहुजन समाज का नौजवान बहने वीरता की मिसाल है और काम करेंगे। अर्जुन को मैं कहना चाहता हूं कि अपने भरोसे रहना अर्जुन, विश्वास करना छोटे भाई, अपने भरोसे रहना, सारे की जरूरत अपने ना, जब दुनिया से जाओ उससे पहले सारे की जरूरत मत लेना, अपने भरोसे रहना। ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें इतना बड़ा कर देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे लोग भी हैं तुम्हारे काम को तुम्हारे बराबर पैर पे खींचेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा अपना मोमेंट पर आया तुम। तो ये जो काम तुमने किया इसके लिए मुबारकबाद, हम तुम्हारी धन से मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बार बार तुम्हारे लिए प्रयास करेंगे, लोग तुम्हारी मदद करें। चीजों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें समझाया था। 100 सवाल हो गए, जवाब तुम्हारा यही होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊं, अपने ऊपर भरोसा, क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि आपके अपना भरोसा, अपने अंदर भरोसा आ जाए। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, जो देश में हमारा बैठता है। तो सोशल रेवोल्यूशन के साथ इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी जरूरी है। सोचिए हम पैसा तो कमाए और देते रहे उनको, तो जिस व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं, अभी बड़ी बात कह रही है यार अरुंधति जी की, सबसे मजबूत तत्व कौन सा है देश में, तो कह रही आगे से। मैं एक मिनट गौर फरमाना चाहता हूं, कुछ तो है उनके अंदर कि हमें यहां उनकी बात करनी पड़ रही, हमारे हर एक व्यक्ति को बात करनी पड़ रही, कुछ तो है, नकारात्मक नहीं है, समर्पण है उनके अंदर जो हमारे लोगों में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ऐसा समर्पण जो अड़िग है, जो सिर्फ उद्देश्य देखता है। अगर उद्देश्य नहीं देखता तो नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा के लिए लाता, उससे बड़े बड़े लीडर बैठे बैठे हैं, एक से एक तुरंत बात बैठे बैठे, लेकिन वो वहां से उठा गया क्योंकि वो अपना उद्देश्य देख रहे थे, हमें सत्ता कैसे प्राप्त कर। अगर हम धन कमाए, अगर मैं गाड़ी खरीदू तो एजेंसी किसकी है, तो पैसा कमाऊंगा 10-12 लाख रुपए दे दूंगा उनको। अगर मैं टीवी खरीदूंगा तो एजेंसी किसकी है, अगर मैं ये कैमरा फोन खरीदूंगा तो एजेंसी किसकी है, अगर मैं किताबें भी खरीदूंगा तो एजेंसी किसकी है, अगर मैं कपड़े भी खरीदूंगा ब्रांडेड तो एजेंसी किसकी है, अगर मैं तेल साबुन जूता कुछ भी खरीदूंगा तो सब किसको दे रहा हूं पैसे, तो जब उनको इतना मजबूत कर रहा हूं तो कैसे जीत जाऊंगा। लगा हमें अपना बनाना पड़ेगा और हमारे लोगों को उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर हम अपने चीजों का निर्माण करेंगे, आज बहुजन समूह है तभी तो हम लोग घर से कह सकते हैं कि किसी का मानो तो उसने पिक्चर वहां देख लेना, क्यों जरूरत पड़ेगी हमें आर्टिकल 15 देखने के लिए थिएटर में जाने की, जब आर्टिकल 15 हमारे मोबाइल पे होगी। इन्होंने हमें रेवोल्यूशन से बचाने के लिए, हम जाग ना जाए, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा सस्ता, और हमारे लोगों ने उसी को हथियार बना लिया, तो मैं अपने लोग कमजोर नहीं मान सकता। और तो बुद्धि से लेकर किसी में कमजोर नहीं है, बस उनकी प्रतिभा को बाहर आने का मौका मिलना चाहिए। पूरा भरोसा है कि आज भी
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला हमारे बहुजन मीडिया के लोग करते हैं तो ऐसा नहीं, काबिलियत तो है, प्रयास करेंगे इस काबिलियत को और बल मिले। तो सबसे जरूरी युवा जमा है, चाहे वो बैठे हो चाहे उठाई, जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे, और चैलेंज तो स्वीकार करना पड़ेगा, मुसीबत आएगी, ये रास्ता बड़ा कठिन है, यहाँ आपके पीछे कोई खड़ा नहीं, अगर खड़ा भी टाक खींचने को धक्का देने को चलाओगे बढ़ो, तो इस रास्ते को पढ़ने के लिए कभी आपने देखा एक पेपर तैयार करके दिखाया जाता है कि बहुजन समाज के लोगों का रास्ता कैसा है और उन बुजुर्ग तुम्हारे बुजुर्गों के रास्ता कैसा है, तो उसे समझना पड़ेगा। बहुत मौके आएंगे खुद को साबित करने के, पहले चलो मिलकर जो है अपना वजूद बचा लेते, इस देश का संविधान बचा लेते हैं, और संस्कृति तो हमारे हैं तो क्या बचाना है, अपने लोगों का क्या जीवन बचा लेते, वरना बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, आज बहुजन मीडिया है तो हम लोग देख लेते हैं, बड़ा सोनभद्र जैसी घटनाएं कहां देखने को मिलती, चूरू जैसे मामले जहां अक्सर बक्सर उड़ा में रेल कर लेते हैं आकर लोग कहां मिलते देखने को, तो जो प्रेशर बिल्डर हुआ बहुजन मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, वो ताकत हमारे उस पर बना के रखनी पड़ेगी। तो मुझे यहां बुलाया आपको सब लोगों को मुबारकबाद, मंच पर जो अतिथि मौजूद है उन सब लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतना कीमती समय छोटे भाई के लिए दिया, बहुजन मीडिया की पूरी टीम को मुबारकबाद, अर्जुन भाई की पूरी टीम को मुबारकबाद, यहाँ पहुंचे सभी एक एक क्रांतिकारी साथी को मुबारकबाद, मैं निवेदन करता हूँ जाने की जाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी, जय भीम जय भारत। देखो कितनी बेचैनी हमारे नौजवान, विश्वास कीजिए कितने भी कठिन रास्ते हो, सिद्धांत तो समझौता नहीं होगा, समाज के लिए बेहतर करने के लिए कुछ भी करना पड़ा किया जाएगा, लेकिन साहब काशीराम को सबसे ऊपर किए बिना जो है ना चंद्रशेखर मैगा ना भीमान जी का कोई कार्यकर्ता मैगा लड़ेंगे। जय श्री। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।